सबसे पहले हमने इसी प्रोग्राम को यहाँ से सेवियस कर लिया और यहाँ पे क्लास 20 के नाम से द वाइल लूप और बेसिक कर दिया, इसको सेवियस कर दिया। यहाँ से हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर, उसकी वैल्यू को सेट किया 1 पर। यहाँ पे मैंने वाइल का लूप लिखा, इसका एक्सप्रेशन लगाया, ये उसकी बॉडी बनाई और यहाँ पे आके एक्सप्रेशन मैंने दिया कि भाई ये लूप जब तक चलाते रहो जब तक कि ये एक्सप्रेशन ट्रू होता रहे। इस एक्सप्रेशन में मैंने एक लेस देन 5 कर दिया। ये लेस देन 5 का मतलब है कि ऑलवेज चेक करो लूप को रन करने से पहले क्या ए की वैल्यू 5 है, नो, क्या ए की वैल्यू 4 है। ए की वैल्यू 4 है, अगर 4 है तो उसको रन कर दो, मतलब 1, 2, 3, 4 तक रन करो, लेकिन जैसे ही 4 से एक्सीड होके 5 पर जाए तो इस लूप को एग्जिट करना है। तो इस तरह 1, 2, 3, 4 ये स्टेटमेंट कितनी बार परफॉर्म होगी, 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो ब्लॉसम्स। ओके, अगर मैं ये लूप चलाऊंगा कितनी बार चलेगा ये लूप, 4 टाइम्स चलेगा है ना, कंफर्म। कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन हमने अपना वेरिएबल सेट कहाँ से किया है, 1 से, तो ये चेक करेगा 1 से। अगर हम 0 पे सेट करेंगे तो फिर ये 0 से चेक करेगा, ठीक है। तो अब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 4 टाइम्स। हाँ भाई स्वरूप, 4 टाइम ही चलना चाहिए, मुसिफ 4 टाइम चलना चाहिए, दिया और देख लो, 4 टाइम नहीं चलेगा ये, मैं बोल रहा हूँ 5 टाइम चलेगा, 4 टाइम ही चलेगा। ये लूप इन्फिनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिट, अनब्रेकेबल, चलता रहेगा। ये देखो, हाँ ये तो खैर एक कमांड एरर था। क्या हो गया है, इन्फिनिट, गाड़ी क्या ब्रेक फेल हो गया है और वो एक स्पीड में चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, अनस्टॉपेबल हो गई। तो इस तरह के लूप को कहते हैं इनफिनिट। इनफिनिट नंबर पढ़े थे ना, इसमें इनफिनिट लूप हो गया, चलाता रहेगा ये, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, इतना काम देगा उसको, इतना काम देगा। यानी कि जब आपका कंप्यूटर में कोई वायरस आता है ना, तो वो वायरस ऐसे बनाया जाता है कि वो आपके प्रोग्राम के ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में इतना काम करता है, मतलब कुछ भी काम दे देते हैं उसको, गिनती कर ले भाई। अब कंप्यूटर तो गिन रहा है, वो गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है, गिनता जा रहा है। अब जब माइक्रो प्रोसेसर एक काम कर रहा है ऑलरेडी, और गिनती में क्या होता है, बढ़ेगी तो कैलकुलेशन में भी लोड आएगा। तो जब ऑलरेडी वो एक काम कर रहा है, आप दूसरे उसको काम दे रहे हैं, ब्राउजर खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं, वो लैग करना शुरू होगा और इतना लैग करेगा एक वक्त में आके बिल्कुल कर्सर रुक जाएगा। कब कर्सर रुकेगा, जब मेमोरी का बफर भर जाएगा, जब मेमोरी का बफर भर जाएगा तो कर्सर आपका बिल्कुल रुक जाएगा और कोई काम नहीं करेगा कंप्यूटर। तो ऐसे वायरसेस भी डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें आप इसको क्या करें, अभी तो ये हमने रोक दिया यहाँ पे। अब देखें मेरे माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेस है वो कितना काम कर रहा है, ये परफॉर्मेंस में गए, यहाँ देखें मेरा प्रोसेसर 79%, 78%, 82%, 84% और मेमोरी मेरी कितनी 5.7 GB कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये काम कर रहा है। और अगर इसकी मैं थोड़ी सी जो पावर है इंक्रीज कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो ये मेरा पूरा प्रोसेसर यूज कर जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्लोज करता हूं, तो मेरे प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन कितना कम हो गया, देख रहे हैं, रैम में भी कमी आई और मेरा प्रोसेसर अब उस रिदम पर आ गया जो इस टाइम उस पर ऐप चल रही है। तो ये इनफिनिट, इनफिनिट इसलिए हुआ क्योंकि एक्सप्रेशन फॉल्स होगा ही नहीं। क्यों फॉल्स नहीं होगा भाई, ए की वैल्यू 1 है, ये तो जब रुकेगा जाके, जब ये एक्सप्रेशन क्या होगा, तो फॉल्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, तो फॉल्स कैसे होगी,
मैं कह रहा हूँ भाई करीना जो है ना डिप्लोमा का कोर्स करती रहेंगी, ये तो इन्फिनिट हो गया, करती रहे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, भाई बताएंगे अभी 18 महीने में 20 महीने में 24 महीने में करना है तो होगा ना। अब अगर हम इसके डेज ही काउंट ना करें तो भले 10 साल आती, तो ए की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। अब ए की वैल्यू को बढ़ाने का भी तो कोई प्रोसीजर होगा ना, कि कोई ऐसा काम करो कि हर दफा जब वो इसको परफॉर्म करे तो ए की वैल्यू में भी एक का इजाफा करे, और ऐसे करते करते जब वो 4 पर पहुंचे तो फिर वहां कट ऑफ करे। वो हम यहाँ पे लगा देंगे, सही। अब यहाँ पे पोस्टफिक्स प्रीफिक्स का चक्कर रहेगा, जब पहली दफा आएगा तो अब देखिए कितनी बार ये लूप चलता है, 4 बार चल गया, ठीक है। और यहां पर आए तो अब यहां पर आके अगर हम इसको प्रीफिक्स पे लगाते हैं तो भी 4 बार चला। अच्छा आप समझे, जब फर्स्ट टाइम इंटर हुआ तो यहां पे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, ए की वैल्यू 1 थी, उसने ए की वैल्यू में कितने कर दिए, 2 कर दिए। ऊपर गया, क्या ए की वैल्यू 4 हो गई, नहीं, दूसरी दफा परफॉर्म कर दिया, फिर ए की वैल्यू 3 कर दी, फिर यहां पर गया ऊपर फिर चेक किया, नहीं हुई, फिर चौथी दफा परफॉर्म कर दिया। अब जब ऊपर गया तो यहां पर ए की वैल्यू हो चुकी, तो स्टॉप हो गया प्रोग्राम, एग्जिट कर गया। अब यहां पर प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स इसलिए हमारे लिए इतना कारामत साबित नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम अगर ए की वैल्यू का आउटपुट लेते यहां पर या इसको आगे चेक करते तो वहां पर ये हमें थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता। अभी इसमें फिलहाल आप प्लस प्लस या माइनस माइनस जो भी लगाना है वो लिख दें और ये इस तरह से कारामत हो जाएगा। अब ये 4 बार चल के हमारा प्रोग्राम एंड कर देगा। अगर हम इसको 5 बार चलाना चाह रहे हैं तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो इसको जाके 6 कर दें तो ये कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। दूसरा, इसको 5 रहने दें, इसके साथ लेस देन के साथ इक्वल का एक्सप्रेशन लगा दें तो डबल कंडीशन चेक करेगा, तो यहां पर हो जाएगा ये 5 टाइम्स। और अगर ये भी नहीं करते, इसको यहां रहने दें, इसको ए की वैल्यू को 0 कर दें, तो 0 से जब ये 5 तक आएगा, 4 तक आएगा, तो भी 5 टाइम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया किस तरह से लूप चल रहा होता है।